पाकिस्तान में एक ऐसा वजीर आजम भी गुजरा है जो दूध बेचा करता था, वो दूध फरोश था, वो एक गरीब किसान का बेटा था। उसने किस तरीके से वजीर आजम होते हुए, कई बार वफाकी वजीर होते हुए, कौमी असम्बली का स्पीकर होते हुए, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला होते हुए भी वो और उसकी बेगम रिक्शों में धक्के खाया करते थे। उसने किसी किस्म की कोई मुराद नहीं ली, किसी किस्म की कोई करप्शन नहीं की, किसी किस्म के कोई बड़े गाड़ियों के प्रोटोकॉल्स नहीं लिए। बताने वाले बताते हैं कि वो शख्स खुद कोई सवारी ना होती तो घर से पैदल ही वजीर आजम हाउस की तरफ चला जाता। उस शख्स ने वजीर आजम बनने के बाद कभी शहाना प्रोटोकॉल या वजीर आजम हाउस में रहने का नहीं सोचा, बल्कि उसने अपनी जिंदगी एक छोटे से फ्लैट में गुजार दी। आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपको करवाने जा रहा हूँ, आप में से शायद बहुत कम लोग ही उनके बारे में जानते होंगे। वो सिर्फ 1996 से 1997 तक निगरान वजीर आजम पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रहे। इस एक साल के नहायत कलील अरसे के दौरान उन्होंने नहायत सादा जिंदगी गुजारी। वो शख्स कोई और नहीं, एक दरवेश, एक फकीर, एक मलंग और एक ईमानदार आदमी, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मलिक मिराज खालिद है। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक गांव में पैदा होने वाले मलिक मिराज खालिद चार बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। उन्हें पढ़ने लिखने का बेहद शौक था, मगर गांव में कोई स्कूल ना होने के सबब उन्हें तकरीबन 2 मील तक घर से पैदल स्कूल के लिए जाना पड़ता था। मिडिल के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से पास होने के बाद वो लाहौर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने उस वक्त के नंबर 1 स्कूल सेंट्रल मॉडल स्कूल में दाखिला ले लिया, जो आज भी लाहौर में वाकया है। मलिक मिराज खालिद का गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गुर्बत की वजह से तालीम जारी रखना मलिक मिराज खालिद के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी और तहैया कर लिया था कि वो गांव से शहर तक जरूर जाएंगे और अपनी तालीमी शुगल को जारी रखेंगे। जेब में एक टका एक फूटी कोड़ी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने दूध बेचने का फैसला किया। गाँव से दूध लेते और शहर में जाकर बेचते, इस तरह अपनी तालीम का खर्चा उन्होंने खुद उठाया और पाकिस्तान के चंद पहले सेल्फ मेड में से एक सेल्फ मेड बने। मलिक मिराज खालिद रोजाना सुबह फजर की नमाज से पहले उठते, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करते, ड्रम को रेड़े पर लाद कर शहर पहुँचते और नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली समेत कई दुकानदारों को दूध फरोख्त किया करते थे। उनके पास शहर में कोई दोस्त भी नहीं था, कोई ठिकाना भी नहीं था। दूध बेचने के बाद वो अपने कपड़े मस्जिद में जाकर तब्दील करते थे। मस्जिद में चेंज करने के बाद वो वहीं से स्कूल चले जाते। अपने कॉलेज के दौर तक उन्होंने यही दूध बेचकर अपनी तालीम का खर्चा उठाया और तालीम जारी रखी। गुर्बत की इंतहा ये थी कि उनके पास स्कूल में पहनने को जूते तक ना थे। उन्होंने पैसे जमा करके जूते खरीदे, मगर वो ये जूते गांव में नहीं पहन सकते थे, क्योंकि गांव की सड़कों पर उन जूतों ने जल्दी घिस जाना था और खराब हो जाना था। चुनाचे वो गांव से अपने वालिद की देसी जूती पहनकर शहर आ गए। वो अपने जूतों को दूध के बर्तन के साथ कपड़े में लपेट कर रख देते और सिर्फ स्कूल के लिए इन जूतों का इस्तेमाल करते, क्योंकि रास्ते में काफी गर्दोगुबार होती जो कि उनके शूज पर जम जाती थी। वो इस मुश्किल से बचने के लिए ऐसा अमल किया करते थे, क्योंकि स्कूल में मौजूद वो तमाम बच्चे जिनके शूज पॉलिश हुआ करते थे, वो कभी भी अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार नहीं महसूस होना देना चाहते थे और ना ही दोस्तों पर ये आया होना चाहते थे कि वो एक गरीब घर से आए हैं। सेंट्रल मॉडल स्कूल के बहुत से लोग मलिक मिराज खालिद साहब से मुतल्लिक इंकशाफ करते हुए बताते हैं कि हम में से बहुत से लोग जब ब्रेक के वक्त में खाना खाते थे तो मलिक मिराज खालिद टूटी को मुंह लगाते और पेट भर के पानी पी लेते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और जब भी कोई दोस्त उनको खाने की ऑफर करता तो वो कह देते थे कि मैंने अभी तो रिसेस टाइम में खाना खाया है, मैं बिल्कुल फुल हूँ, आप लोग खाएं। सन 1935 में उन्होंने मैट्रिक में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की और इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला ले लिया। अब हालात थोड़े बदलने लगे और उन्होंने साइकिल से उतरकर रेड़े का इंतखाब किया। वो रेड़े पर गाँव में दूध लाते और उसको रेड़ा चलाते हुए शहर तक लाते और उसके बाद उसको नवाब मुजफ्फर कजलबाश की हवेली समेत मुख्तलिफ उमरा के घरों में दूध खुद ढोया करते थे। इस काम में कभी उन्हें शर्मिंदगी महसूस न हुई। इसी दौरान उन्होंने ग्रेजुएशन की और बीए ऑनर कर लिया। बीए ऑनर करने वाले मलिक मिराज अपने इलाके के वाहिद ग्रेजुएट थे। मुआशी दबाव के तहत बीए ऑनर के बाद उन्होंने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी शुरू कर दी, चूंकि उनका मकसद लॉ यानी कानून पढ़ना था। कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और कानून की तालीम हासिल करने के लिए बाकायदा क्लासेस ज्वाइन कर ली। 1946 में LLB का इम्तिहान पास करके 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में लाहौर के एक माने ताने कानून दान और वकील बन गए। मलिक मिराज खालिद में मखलूक खुदा की मोहब्बत और इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। लोगों की मदद करने के लिए 1965 में उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा। अंदाजा कीजिए, एक ऐसा शख्स जो गाँव में रहता था, रेड़ी पर दूध बेचता था और उसके बाद उसने लाहौर जैसे शहर में आकर इलेक्शन लड़ा और कामयाब भी हो गया। वो पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा मकान के नारे से मुतासिर होकर इसमें शामिल हो गए। मलिक मिराज खालिद जुल्फकार अली भुट्टो के दरीना साथी थे। उनको पीपल्स
पार्टी के बानियों में भी शुमार किया जाता है। लिहाजा 1970 के आम इंतखाबात में जुल्फकार अली भुट्टो ने उनको MNA की टिकट जारी की। अब यहाँ आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि MNA का इलेक्शन उन्होंने जिस हस्ती के खिलाफ लड़ा वो वही हस्ती थी जिनके घर वो दूध देने जाते थे, यानी नवाब मुजफ्फर कजलबाश के भाई जुल्फकार कजलबाश। मलिक मिराज खालिद ने भारी वोटों की मदद से उनको शिकस्त दी और उस इलेक्शन में उन्होंने तकरीबन 90,000 के करीब वोट लिए थे। असेंबली में पहुंचने के बाद उनको वजीर खुराक का कलमदान दिया गया, लेकिन उन्होंने इस दौरान भी किसी भी किस्म का कोई प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। बात यहाँ खत्म नहीं होती। 1972 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, इसके वो वजीर आला मुंतखब हुए, तब भी उन्होंने प्रोटोकॉल लेने से इनकार कर दिया। इस दौरान उनकी बीवी एक स्कूल टीचर थी और लोग उनसे पूछा करते थे कि आपके हस्बैंड तो वजीर आला पंजाब हैं, क्या आप इस नौकरी को जारी रखेंगी? जिस पर उनकी बीवी जो कि एक दरवेश सिफ्त औरत थी कहने लगी कि ये जो मेरी नौकरी है स्कूल की ये तो मुस्तकिल है, जबकि जो मिराज खालिद साहब की नौकरी है वो बड़ी आर्जी है, ये चली जाएगी, मैं क्यों अपनी नौकरी छोड़ूं? हमने हुकूमतों से कुछ नहीं लेना, हम अपना गुजर बसर यूं ही करेंगे और अल्लाह ताला हमें जैसी हक हलाल की रोटी देगा हम वो खाएंगे। 1972 में जब वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए तो इस पूरे अरसे में वो रिक्शे में सफर किया करते थे, किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते थे, कोई सिक्योरिटी नहीं लेते थे। वो आम अवाम, लोअर मिडिल क्लास और उन लोगों की तर्जुमानी करना उनको अच्छा लगता था जो कि उन जैसे सेल्फ मेड थे। कहने वाले कहते हैं कि वो अक्सर चाय के होटलों पर पाए जाते थे। जब वो पंजाब के वजीर आला थे तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एक तकरीब में मेहमान खसूसी की हैसियत से जाना था। हाल रोड पर ही उनकी रिहाइश थी जहाँ पर वो एक छोटे से कमरे में मुकीम थे। उनका ड्राइवर गाड़ी कहीं ले गया था, जब ड्राइवर देर तक वापस न आया तो वो रिगल चौक से एक रिक्शे पर सवार हुए और सीधे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पहुँच गए। गवर्नमेंट कॉलेज में वजीर आला का इस्तकबाल करने वाले लोग उस वक्त ये देखकर दंग रह गए कि शायद वजीर आला साहब किसी बड़े सरकारी प्रोटोकॉल में आएंगे और बड़े बड़े सायरन और बड़ी बड़ी सिक्योरिटी की गाड़ियां उनके आगे पीछे होंगी। लेकिन तमाम इस्तकबालिया ये देखकर हैरान रह गया जब मलिक मिराज खालिद रिक्शे में से नीचे उतरे और उन्होंने इस्तकबाल करने वालों को गले से लगा लिया। वो अक्सर फलाही कामों में नजर आते थे, वो गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और उन लोगों की आवाज बनते थे जिनका वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस या मिनिस्टर्स की कॉलोनी में दाखिला तक ममनू था। लेकिन इस मर्द कलंदर में तारीख में वजीर आला बनने के बाद वजीर आला हाउस को आम आवाम के लिए इस तरह से खोल दिया था जैसे उन लोगों का वो नानी का घर हो। वो अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकते थे और जब चाहे जा सकते थे। वो अपने मुतालबात खुलकर मिराज खालिद के सामने रखते, उनको वो सुनते, उनकी तनकीद बर्दाश्त करते और मुनासिब हुक्म देकर हर बंदे का मसला हल करवाते थे। ये कोई अफसानवी कहानियां नहीं है। आप में से वो लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्रें 70 साल या 60 साल हैं, 80 साल हैं, आपके घरों में मौजूद आपके ताया, दादा, नाना जान हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मलिक मिराज खालिद का दौर कैसा था और वो शख्स किस शख्सियत का हामिल था। मेरी इन तमाम बातों की तस्दीक आपके घरों में बैठे हुए बुजुर्ग करेंगे। 1973 में अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ्द की क्यादत की और 1973 में ही वफाकी वजीरे कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा। दो दफा स्पीकर कौमी असम्बली बने। 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रहे। मलिक मिराज खालिद की कोई औलाद ना थी बल्कि उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था जिसकी उन्होंने सारी जिंदगी परवरिश की। ये अजीम शख्सियत 13 जून 2023 को अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये वही मलिक मिराज खालिद साहब हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि वालिद साहब का जूता पहनकर ये कॉलेज जाते और वापस आकर उन्हें देते थे। बाप बेटा दोनों के पास एक ही जूता था। दिन के वक्त वालिद साहब और दोपहर के बाद मलिक मिराज खालिद नंगे पांव फिरते थे, लेकिन कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हुए। ये वो बातें हैं जो वो अपने मुँह से खुद बताया करते थे और वजह सिर्फ एक ही थी, गरीब होना या गरीब घर में पलना बढ़ना, कोई गाली नहीं होता। मलिक मिराज खालिद अपनी इन कहानियों के जरिए नौजवानों को एक पैगाम दे रहे हैं। अगर आप अपने वालदैन के साथ मुखलिस हैं, वालदैन गरीब हैं, तो कभी भी उनके साथ उनकी गुर्बत का शिकवा ना करें बल्कि उनके कांधे के साथ कांधा मिलाएं, मेहनत करें, मेहनत करके बाप को भी खिलाएं और उसको घर बिठा दें। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। फिर आप मट्टी में भी हाथ डालेंगे तो वो सोना बनेगा। आप मुल्क के वजीर आजम भी बनेंगे, वफाकी वजीर भी बनेंगे, पंजाब के वजीर आला भी बनेंगे और एक वक्त ऐसे आएगा कि बहुत से लोग उनको हीरों के लफ्जों की शक्ल में खराज तहसीन पेश करेंगे जैसे आज हम उन्हें कर रहे हैं। अपने मेजबान यासर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।